जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि आप सभी का गुरु रजनीश ऋषि जी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां आज की चर्चा का विषय है कि सितंबर 2022 का महीना आप सभी लोगों के लिए किस प्रकार रहने वाला है। सितंबर 2022 में तीन मुख्य ग्रह सूर्य, शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन में हर क्षेत्र पर पड़ेगा। इसलिए इसकी विस्तार से चर्चा आज के हम इस प्रोग्राम में करेंगे। ये राशि परिवर्तन शुभ नहीं है भक्तगणों, इससे आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए कुछ उपाय भी करने की यहाँ पर जरूरत है, जो मैं इस प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं इस प्रोग्राम में अंत तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आपके जीवन के सभी जरूरी क्षेत्रों की चर्चा विस्तार से की जाती है, फिर वो चाहे आपकी इनकम हो, जॉब की पोजीशन हो, यहाँ पर आपका व्यवसाय कैसा रहने वाला है, भाग्य कितना साथ देगा, साथ साथ शादी विवाह के क्या योग बन रहे हैं, संतान प्राप्ति के क्या योग बन रहे हैं, पढ़ाई के संदर्भ में स्टूडेंट्स कैसा महसूस करेंगे, कैसी उनकी प्रोग्रेस रहने वाली है, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय कैसा है, घर मकान माता पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से समय कैसा रहने वाला है, ये सभी चर्चा हम इस प्रोग्राम में करते हैं और ये सभी आपके हितों के लिए की जा रही है। तो भक्तगणों, सभी बातों को जानने के लिए अंत तक हमारे इस वीडियो में आप जरूर बने रहें। साथ साथ मैं आप सभी के लिए जनता दरबार की जो सूचना है उसको दोहराना चाहूंगा, उसको बताना चाहूंगा। ये जो जनता दरबार है भक्तगणों, आप सभी भक्तगणों के अनुरोध पर शनि पीठ मंदिर में लगाया जा रहा है, जहां पर मुफ्त में हम अपने सभी भक्तगणों को जीवन में आ रही हर परेशानी के उपाय बता रहे हैं। यहाँ पर एक रुपया भी फीस में आपसे नहीं लिया जा रहा है और हर गुरुवार, हर शनिवार, हर रविवार को ये जनता दरबार आप सभी भक्तगणों की सुविधा के लिए शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में लगाया जा रहा है। यदि आप मुझसे मिलकर अपनी परेशानी के उपाय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस जनता दरबार में रविवार के दिन पर शिरकत कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये जनता दरबार आपके लिए लगाया जाएगा। भारी से भारी संख्या में आकर इस जनता दरबार की जो अपॉर्चुनिटी है उसका लाभ उठाएं, अपने जीवन में आ रही परेशानियों को ज्योतिष के अति वैज्ञानिक शास्त्र के माध्यम से, उसकी विद्या के माध्यम से मैं आपकी मदद करने का संपूर्ण प्रयास जरूर करूंगा। हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, अब हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सितंबर 2022 का ग्रह गोचर किस प्रकार रहने वाला है, जो कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर भी अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पूर्व मेष राशि के भाव में राहु देवता विराजमान है। इसके बाद पूरे महीने राहु देवता यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। फिर हम आगे चलते हैं वृषभ राशि में, जिसके मालिक शुक्र हैं और शुक्र की राशि में मंगल ग्रह पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। इसके बाद तीसरा और चौथा भाव मुख्य ग्रहों से इस महीने वंचित रहने वाला है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जो कि सिंह राशि का भाव है, जिसमें सूर्य देवता
17 तारीख तक यहां पर गोचर कर रहे थे अपनी ही राशि में, परंतु इनका राशि परिवर्तन होने वाला है और 17 तारीख के पश्चात ये कन्या राशि में आकर निवास करने वाले हैं। वहां पर शुक्र देवता भी पंचम भाव में ही महीने की शुरुआत में निवास कर रहे थे, जो कि 24 तारीख को यानी कि 24 सितंबर से यहां पर अपनी नीच राशि कन्या राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब ये एक खराब संकेत है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र पहले तो अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, वहीं पर उनके शत्रु सूर्य देवता भी यहाँ पर निवास करने वाले हैं। तो ये दोनों मिलाकर आपके लिए एक अशुभ संकेत दिखा रहा है। यहाँ पर कन्या राशि में छठे भाव में बुध देवता, जो कि अपनी उच्च राशि में विराजमान थे, वो 10 तारीख से यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। जब तक ये वक्री रहेंगे तब तक शुक्र देवता का नीच भंग नहीं होगा। जब तक नीच भंग नहीं होगा तब तक आपको अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। आगे चर्चा को बढ़ा रहे, बात करते हैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में चंद्रमा और केतु दोनों ही ग्रह विराजमान है। इसमें केतु तो पूरे महीने यहां पर तुला राशि में विराजमान रहने वाले हैं, परंतु चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं और यहां पर परिवर्तन करके महीने के अंत में वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यानी कि पूरा एक चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में यहां पर 1 अक्टूबर को गोचर कर रहे हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो नवम भाव मुख्य ग्रहों से वंचित है। इसके बाद शनि दशम भाव में विराजमान है, मकर राशि में, अपनी ही राशि में, परंतु वो वक्री अवस्था में। इसी प्रकार 11वां भाव, जो कि कुंभ राशि का भाव है, मुख्य ग्रहों से वंचित है। और 12वां जो भाव है, जो कि मीन राशि का भाव है, वहां पर बृहस्पति इस पूरे महीने विराजमान है। वैसे तो ये अपनी ही राशि में विराजमान थे, परंतु इस समय पे ये वक्री चल रहे हैं और इसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से होने वाला है। तो भक्तगणों, यहां पर जो सबसे खतरनाक स्थिति जिसका निर्माण हो रहा है वो सूर्य शुक्र और वक्री बुध का कन्या राशि के अंदर जो गोचर इस महीने के मध्य से शुरू होगा, वो यहां पर सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने वाला समय साबित होने वाला है। और इस समय पर कौन सा उपाय आपको करना है, इसकी विस्तार से चर्चा इस प्रोग्राम में हम करेंगे। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। आगे चर्चा को बढ़ा रहा हूं भक्तों, यहां पर बात करूंगा स्वास्थ्य की दृष्टि से समय कैसा है हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए। तो शनि वक्री अवस्था में इस समय पर अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का एक सबब बन सकती है, विशेष तौर पर उन भक्तगणों के लिए जिनकी कुंडली में शनि विपरीत अवस्था में है या फिर वो शनि की विपरीत दशाओं से गुजर रहे हैं। उन पर शनि की 7.5 महादशा, अंतरदशा जैसे कठिन पीरियड आए हुए हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे 17 तारीख तक तो स्वास्थ्य में कोई विशेष अड़चन नहीं आनी चाहिए, परंतु 17 तारीख के बाद जब सूर्य देवता अपने लगन स्थान से निकलकर द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तब वो आपको इतनी मजबूती नहीं दे पाएंगे कि शनि के इन अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा कर सके, और उस समय पर स्वास्थ्य में परेशानी आने की संभावनाएं जो है वो अधिक हो जाती है। आगे चर्चा को बढ़ा रहा हूं, बात करता हूं फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स
यानी कि अपने जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ समय आप लोगों का कैसा बीतेगा, रिलेशनशिप्स कैसी रहने वाली है। तो शनि क्योंकि चैलेंजेस के भाव छठे भाव पे हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और इस समय पर सप्तम भाव से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी वक्री अवस्था में, तो रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं दूरी है, फिर चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल लेवल पर हो या कहीं इंटेलेक्चुअल लेवल पर हो, दूरियां मुझे दिखाई दे रही हैं, किसी ना किसी बात पर तनाव या झिझक की सिचुएशन दिखाई दे रही है, वो रिलेशनशिप्स में वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है जो आम तौर पर सिंह राशि के जातकों की रिलेशनशिप्स में होती है। अभी कुछ और समय शनि की इस विपरीत दशा का आप सभी जातकों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर तक शनि इसी प्रकार यहाँ पर वक्री अवस्था में गोचर करते रहेंगे, जो आपकी परेशानियों को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इस समय पर शादी की अगर मैं संभावनाओं की बात करूं या रिश्ता पक्का होने की बात करूं, तो वो कम संकेत मुझे दिखाई दे रहे। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी के लिए एक शक्तिशाली चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को लेकर। यह सुदर्शन लॉकेट जो आप अपने गले में धारण करके अपने जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों को धीमे धीमे करके दूर कर सकते हैं। इस सुदर्शन लॉकेट के अंदर सभ्यस्त नवग्रह देवताओं का रतन या उपरतन लगा हुआ है। प्रत्येक रतन उस ग्रह देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों के द्वारा स्वयं मेरे द्वारा अभिमंत्रित है, प्राण प्रतिष्ठित है और जागृत है। साथ ही साथ इसके नीचे जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक इस पृथ्वी पर उपस्थित रतन है, जिसे हम गोमती चक्र के नाम से जानते हैं। ये गोमती चक्र भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है, जो आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने में समर्थ है। इस शक्तिशाली गोमती चक्र वाले सुदर्शन लॉकेट को धारण करने वाला व्यक्ति धीमे धीमे करके अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करते हुए अपने जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और आनंद की प्राप्ति करता चला जाता है, अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करता चला जाता है। धीमे धीमे करके उसकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती चली जाती हैं। तो वो सभी व्यक्ति जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, मेरे वीडियो के बीच में आप ही लोगों के बहुत सारे वीडियो लगे होते हैं, जिसमें आप जैसे भाई बहन बोल रहे होते हैं कि उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए उपाय से किस प्रकार से अभूतपूर्व फायदा उठाया है, उनकी परेशानियां किस प्रकार से अभूतपूर्व रूप से दूर हो गई हैं और वो निरंतर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह सब परमपिता परमात्मा की उस साधना के फल स्वरूप है, जो मैं पिछले 32 वर्षों से उनके मंत्रों की, विभिन्न मंत्रों की साधना नित्य प्रति करता हूं। उस साधना के फल स्वरूप मेरे को जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसी शक्ति से यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट को मैं मंत्र सिद्ध करता हूं, प्राण प्रतिष्ठित करता हूं और जागृत करता हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए इस लॉकेट के साथ साथ उन सभी लोगों को लिए जो इस लॉकेट को खरीदेंगे, उनको प्रभु साधना की अनुपम अनमोल पुस्तक, जो आपको पूरी दुनिया में हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका एक एक शब्द मेरे स्वयं के द्वारा रचित है। जिस साधना को मैं पिछले 32 वर्षों से कर रहा हूं, वही साधना अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर मैं आप सभी लोगों को सुपुर्द करता हूं, ताकि आप इस साधना के बल पर अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट कृपा, डायरेक्ट आशीर्वाद प्राप्त कर सके और अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर सके। इस अद्भुत पुस्तक में, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की साधनाएं
प्रॉपर तरीके से बताई गई है, प्रॉपर साधना की डिटेल दी गई है। उस साधना के फलस्वरूप आप अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की दिव्य कृपा निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह साधना की पुस्तक हमारे मंदिर की ओर से, शनिपीठ मंदिर की ओर से निशुल्क वितरण के लिए है। जो व्यक्ति यहाँ आकर इस पुस्तक को फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। वो बिना किसी झिझक के आकर ले जा सकते हैं। किंतु जो लोग खाली इस पुस्तक को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक पोस्टिंग, पोस्टेज का कोरियर चार्जेज और शिपिंग और पैकेजिंग के जो खर्चे हैं वो उनको अवश्य ही देने पड़ेंगे। तो जो भी व्यक्ति इस अद्भुत और चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को अपने नाम की पूजा के अनुसार मंगवाना चाहते हैं, मंत्र से पाणपति से जागृत जिसे मैं स्वयं करता हूं, उसे घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना किसी झिझक के आप इस सुदर्शन लॉकेट के लिए हमें स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट मोबाइल ऐप पर भी जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर मोबाइल ऐप आ रही है एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस लॉकेट के लिए आप वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट आपको घर बैठे, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आपको अवश्य भेज दिया जाएगा। जय शनिदेव। जय शनिदेव। मेरा घर वेस्ट बंगाल कुचबिहार में है। मैं यूट्यूब देख के गुरु माँ का पता मिला है मेरे को और मैं अपॉइंटमेंट लिया, और अपॉइंटमेंट मेरा 21 तारीख को था, तो मैं 2 दिन पहले ही चला आया, गुरु माँ से बातचीत किया। मेरा जन्म कुंडली भी मालूम नहीं था, तो गुरु माँ मेरा चेहरा देख के ही मुझे बता दिया, मेरा परेशानी को दूर किया और मुझे अच्छा लगा, खुशी हुआ गुरु माँ से बात करके। मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ, आप सभी लोग गुरु माँ के पास आए, अपनी समस्या बताए। मुझे आशा है आपके सब समस्या को गुरु माँ दूर कर देगी। जय शनिदेव। मेरा कुंडली भी नहीं था, मेरा जन्म तारीख भी नहीं था, मेरा चेहरा देख कर ही गुरु माँ बता दिया मुझे क्या परेशानी है और उपाय भी बता दिया है मेरे को। मैं आप ये करने वाला हूँ गुरु माँ ने, मैंने यूट्यूब देखा था, यूट्यूब देख के एक उपाय मेरे को गुरु माँ बताया था और मैंने वो उपाय किया था, उसमें मेरे को बहुत फ़ायदा मिला, इसलिए मैं दौरे चला आया हूँ गुरु माँ के पास। आप लोग भी आ सकते हैं। गुरु माँ का एड्रेस है ईस्ट पटेल नगर 16/24 दिल्ली पटेल नगर। जय शनिदेव। आगे चर्चा को बढ़ा रहा हूँ भक्कड़ों, यहाँ पर बात करेंगे एजुकेशन की दृष्टि से समय कैसा है हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए। तो एजुकेशन के स्वामी बृहस्पति वक्री अवस्था में इस समय पर अष्टम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि आपका जो ध्यान है वो इस समय पर अपने सब्जेक्ट्स में ना होने के बजाय दूसरी चीजों पर ज्यादा केंद्रित है। आपकी क्यूरियोसिटी गुप्त चीजों को जानने में और अधिक हो रही है, परंतु हो सकता है या बहुत ज्यादा संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो चीजें आपके लिए या वो विषय आपके लिए लाभकारी ना हो, उल्टा समय व्यर्थ हो जाए, ऐसी संभावनाएं मुझे अधिक दिखाई दे रही है। तो आप किस चीज पर इस समय पर, अब विद्यार्थी विशेष तौर पर किस चीज पर अपना समय इस समय पर अधिक दे रहे हैं, इसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। कहीं आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, गलत दिशा में तो नहीं भटक रहे हैं, इन बातों से सतर्क रहने की आवश्यकता नजर आ रही है। तो इन बातों का बहुत अधिक ध्यान यहां पर मैं सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि उन्हें रखने की आवश्यकता है। चलिए भक्तों, अब मैं आपको वो उपाय बता देता हूं जिससे सिंह राशि के जातकों का जो समय है वो इम्प्रूव हो सकता है, बेहतर हो सकता है। सितंबर 2022 में जो भी विपरीत फल है उनको काटने के लिए क्या उपाय हमारे सिंह राशि के जातक कर सकते हैं,
वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो क्योंकि यहां पर मुख्य तौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे अड़चने नजर आ रही हैं, तो शनि से संबंधित उपाय करने की आप लोगों को मैं सलाह दूंगा। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनि इस समय पर विपरीत अवस्था में गोचर कर रहे हैं आपकी लग्न कुंडली के अंदर। जो हमने मासिक कुंडली आपकी तैयार की है उसमें विपरीत अवस्था में शनि गोचर कर रहे हैं, और मेरी ये सलाह होगी कि शनि देवता को आप उनकी आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपका स्वास्थ्य पर वो बुरा असर ना डाले। जिसके लिए मैं आपको शनि देव के बीज मंत्र का उच्चारण करने की सलाह दूंगा। 108 बार या एक माला जप नित्य प्रतिदिन जरूर करें। इस समय पर स्वास्थ्य में उससे राहत आपको जरूर मिलेगी। शनि देव जी का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ये बीज मंत्र है, इसका आप उच्चारण जरूर करें। साथ साथ ब्लू रंग के कपड़ों को इस समय पर अवॉइड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ब्लू कलर के कपड़े आप टोटली अवॉइड करें, उन्हें ना पहने। और साथ साथ ब्लैक और ग्रे ये कलर्स भी मैं आपको उनसे परहेज करने की सलाह इस समय पर आपको देना चाहूंगा। चलिए भक्तगणों, आज के इस प्रोग्राम को तो हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं पुनः आपको जनता दरबार के बारे में सूचना दे देता हूँ, जहाँ पर कोई भी भक्तगण मुफ्त में हमसे ज्योतिष परामर्श प्राप्त कर सकता है। हर गुरुवार, शनिवार और रविवार को यहाँ ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली 16/24 में आकर हमसे मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क। चलिए भक्तगणों, आप सभी के कुशल स्वास्थ्य की मैं कामना करूंगा, और इसी नोट पर अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अब मुलाकात होगी अगले महीने, तब तक के लिए जय शनिदेव।